सिंधिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पटेल पार्क में आयोजित हुआ शिविर। हृदय मधुमेह और बाल रोग का हुआ शिविर आयोजित। भाजपा के पदाधिकारियों के साथ डॉक्टर भी रहे मौजूद। खबर शिवपुरी से है। यहां पटेल पार्क में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टरों के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग, मधुमेह और बाल रोग से संबंधित शिविर लगाया गया। यहां भाजपा से जिला अध्यक्ष राजू बाथम, हरवीर सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक माखनलाल राठौर, सुखदेव गौतम के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता और डॉक्टर उपस्थित थे। साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ, मधुमेह विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपस्थित थे। साथ ही बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी ली और जांच कराई गई। मेरा कहना इतना है कि पहले इस अवसर पर डॉक्टर साहब के लिए, हरवीर जी के लिए, उषा जी, आप सब के लिए मेरी ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आज हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय उड़न मंत्री, सिंधिया परिवार के मुखिया मानवर ज्योतिराज सिंधिया जी का जन्मदिन है और इसलिए उनके उपलक्ष्य में आज सुखदेव जी ने स्वास्थ्य शिविर लगाया है। निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है, क्योंकि ज्योतिराज जी आज देश में जो काम कर रहे हैं, और इस अवसर पर मुझे विशेष खुशी है कि उन्होंने अपने जन्मदिन के पहले सीबरी शहर के लिए लगभग 300 करोड़ की विशेष सौगात यहाँ पर देने की बात कही है, और यहाँ के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उसका प्रोपोजल बना के भी भेजा है। अभी हमारे यहाँ 90 बीघा की हवाई पट्टी है, उसके लिए 290 बीघा की वो करवा रहे हैं, इसलिए उनका जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं इस वक्त में। और आज वो 290 बीघा का हवाई अड्डा यहाँ पर होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय विमान भी यहाँ पर उतर सकेंगे, तो सीपरी एक भारत के नक्शे पर भी जुड़ सकेगी। और मैं सुखदेव जी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे इनका परिवार शुरू से राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा में जो आए, शिक्षा क्षेत्र में जो आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है इन्होंने। आज महाराजा श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये कैंप लगाया है और इसमें हमने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर जी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गौतम, और बाल एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन और डॉक्टर राजेंद्र सिंह दवैया, इन लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पे बच्चे भी बहुत थे, तो बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हो जाएगी और सारी जाँचें ECG, शुगर वगैरह सारी फ्री की जा रही हैं। अभी तक कम से कम 200 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो गए हैं ओवरऑल मिला के, और मुझे लगता है शाम तक ये संख्या और बढ़ेगी।